हेलो बच्चों बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन जो हम करते हैं उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब नियोजन की हमने विशेषताएं पढ़ी, इसका महत्व पढ़ा। अब बात आती है इसकी सीमाओं की कि हम जो भी नियोजन करते हैं या जो भी योजनाएं बनाते हैं उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। तो 6 पॉइंट है। नंबर पहला पॉइंट है, नियोजन के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो इसमें बात आती है कि वैसे तो जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, छोटे स्तर पर ही, मतलब छोटे स्तर पर मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पर छोटा मोटा चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने योजना बनाई है कि हम बैंक से उधार पैसे लेना चाहते हैं, हम जो भी प्लांट में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो भी हम बिल्डिंग खरीदेंगे या अपनी जो भी फैक्ट्री लगाएंगे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे, उसके लिए हमें 50 लाख रुपये की आवश्यकता है। और मान लीजिए हम बैंक से लोन हमें मिल जाएगा, ये हमने योजना बनाई है, और किसी भी गवर्नमेंट बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो आराम से हमें 9 से 10% के बीच में लोन आसानी से मिल जाएगा। तो जो हमारे कागज़ वगैरह सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट हैं और हम आसानी से इस 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट को बैंक से पूरा करेंगे, और वो भी गवर्नमेंट बैंक से पूरा कर लेंगे, जिसकी हमें ब्याज की राशि देनी पड़ेगी 9 से 10% पूरे साल की। ये हमने उम्मीद लगाई, ये हमने योजना बनाई। उसके बाद हम मशीनें खरीदेंगे, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और हम अपना प्रोडक्ट को बनाना और बेचना चालू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि बाय चांस जो गवर्नमेंट बैंक है वो हमें लोन नहीं दे रहा, या फिर हमें 50 की जगह अब 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मतलब 50 लाख की जगह अब 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो छोटा मोटा परिवर्तन तो संभव है। अगर हम अपने बजट की राशि को सीधा एकदम से डबल कर देंगे तो उसमें चेंज करना इतना आसान नहीं है। अगर 50 की जगह 52 से 53 लाख रुपए की आवश्यकता है तो वो तो चलो ठीक है, हमने बैंक से अगर हम बात करेंगे कि जी 50 की जगह अब हमें 55 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, वहाँ तक तो चलो संभव होता है। लेकिन अगर हम बैंक वालों से कहें कि 50 की जगह हमें 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए, 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए, तो इतना बड़े परिवर्तन योजना में एकदम से कर देना संभव नहीं है। तो जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे बोलते हैं लोचशील होना, लोचशील, फ्लेक्सिबिलिटी। और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी या अनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अलोचकता, अलोचशील, अलोचशील। तो दोबारा से देखते हैं पॉइंट को कि हम जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं में परिवर्तन करना एकदम से संभव नहीं है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, वैसे तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं में परिवर्तन किया जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया छोटा मोटा परिवर्तन, परंतु ये परिवर्तन केवल छोटे स्तर पर ही या छोटे छोटे परिवर्तन करना ही संभव है, इनमें बड़े परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया, आपको याद रहेगा आई होप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 50 लाख की जगह अगर आपको 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता है तो ये बड़ा परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब इसके अनुसार योजना में परिवर्तन करना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि 50 की जगह 52 लाख रुपये का लोन मिल जाए और 9 से 10% की जगह हमें 8.5% तक ब्याज पर पैसा मिल जाए, तो ये थोड़ा फिर भी परिवर्तन संभव है। मतलब हम इस प्रकार का बैंक ढूंढे जो हमें 9 से लेकर के, मतलब 9 से कम करके 8.75% तक का ब्याज पर लोन प्रोवाइड करवा दे। लेकिन अगर हम सोचें कि जी 9% की बजाय हमें 6% ब्याज पर पैसा मिलना चालू हो जाए, 7% में मिलना चालू हो जाए, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो इसके अनुसार परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि नियोजन में लोचशीलता का गुण नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं नियोजन में अलोचकता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये परिवर्तनशील वातावरण में संभव नहीं है। परिवर्तनशील वातावरण मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए ही बनेगी, अगर बिल्कुल भी हाथ के हाथ की बात होगी तो उसे भी योजना नहीं कहा जाएगा। तो हम भविष्य के लिए जो भी सोचते हैं उसके आधार पर हम योजना बनाते हैं, यानी कि भविष्य पूरा अनसर्टेन है, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम केवल उसका अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाते हैं, पूर्व अनुमान पहले से एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, इन अनिश्चितताओं के बारे में पहले से अनुमान लगाया जाता है, इन्हें ही हम पूर्वानुमान कहते हैं। और ये जो योजनाएं बनती है ये हमेशा भविष्य के अनिश्चितताओं के ऊपर जो पूर्वानुमान है उसके आधार पर बनाई जाती है। और भविष्य क्या है, परिवर्तनशील है, और इसका 100% अनुमान लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कठिन काम है, ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के समान है, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो बेकार। तो ये बिल्कुल जो भविष्य अनिश्चित है उसके बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं, अनुमान लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल जब अनसर्टेन है तो इसके बारे में 100% हम नहीं कह सकते। और परिवर्तनशील अगर वातावरण है
क्योंकि वातावरण वैसे ही परिवर्तनशील है, तो अगर जरा सा भी कुछ चेंज हो गया तो हमारी सारी की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। छोटा मोटा चेंज तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया या जो हमने अनुमान लगाया था उसके अनुसार से योजना नहीं बन पाई, तो उस केस में पूरी की पूरी योजना हमारी खराब हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, एक कंपनी ने पूर्वानुमान लगाया कि सरकार किसी विशेष वस्तु के निर्यात की अनुमति देने वाली है। गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में छूट देती है, कई वस्तुओं पर इंपोर्ट मना कर देती है, कई वस्तुओं पर एक्सपोर्ट मना कर देती है, बाद में कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट खोल देती है कि भी आप इन वस्तुओं को बना करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो या इन वस्तुओं को इंटरनेशनल मार्केट से मंगवा सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध और खुलापन, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो कंपनी ने सोचा कि भाई ये वाली मतलब कोई एक पर्टिकुलर वस्तु उसके निर्यात की अनुमति मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर वस्तु की निर्यात की अनुमति दे देगी। ये ऐसा किसको लगा? कंपनी को लगा। तो कंपनी ने पूर्वानुमान लगाया और कंपनी ने उस पूर्वानुमान के आधार पर उस वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर दिया। परंतु हुआ क्या, गवर्नमेंट ने उसके निर्यात की परमिशन दी ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी का सारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बनाया होगा कंपनी ने, वो सारा का सारा प्रोडक्ट बेकार हो गया। अगर वो बेचेगी भी तो लोकल मार्केट में बेचना पड़ेगा सस्ते दामों पर, यानी कि जीत हो सकता है उस केस में उसकी लागत भी निकलना पॉसिबल ना हो। तो ऐसी अवस्था में नियोजन गलत हो गया, क्योंकि पूर्वानुमान गलत हो गया। और पूर्वानुमान क्यों गलत हुआ, क्योंकि परिवर्तनशील वातावरण है और पूरी तरह अनिश्चित है, और इसमें हम भविष्य के लिए सोच करके चलते हैं, और जो कि 100% ठीक हो ही नहीं सकता। अगर चल हो सकता है कि तुक्के में ठीक हो जाए, या जो हमने पहले से जितना अच्छा अनुमान लगाने की कोशिश करी पुराने हमारे अनुभवों के आधार पर, अगर उसके आधार पर होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसके गलत होने के चांसेस ही रहते हैं। तो फलस्वरूप कंपनी को हानि हो गई। तो क्या कहा जाएगा, एक तो नियोजन के अंतर्गत परिवर्तन करना संभव नहीं है, दूसरा नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में संभव नहीं है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तब तो चल जाएगा, मतलब तब तो हमारी योजना ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में कुछ परिवर्तन हो गया, जो हमने सोचा था उसके हिसाब से काम नहीं बना, तो नियोजन पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना, उसे क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो अपनी तरफ से कुछ करने की छूट होना, ठीक है, रिलैक्सेशन होना, नियोजन इस चीज़ को पूरी तरह से कम कर देता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत जो हमने योजना बनाई है, सारे के सारे काम करने का ढंग ये पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, और सभी लोगों को बोल दिया जाता है कि आप इसी हिसाब से काम करोगे। हमारी जो योजना बनी है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये व्यक्ति बनाएंगे, इस समय बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि नियोजन की परिभाषा ही क्या होती है, नियोजन के अंतर्गत पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या काम किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तो इन चारों बातों के आधार पर हम योजना बनाते हैं और इसी के हिसाब से काम चलता है। तो जब योजना के अंतर्गत पहले से निर्धारित हो चुका है कि काम कौन करेगा और कैसे करेगा, मतलब कैसे करेगा ये पहले से जब निर्धारित है, तो कोई भी अगर कर्मचारी अपने ढंग से नए ढंग से काम करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, वो अपने ढंग से काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि योजना के अंतर्गत पहले से निर्धारित है कि इसी प्रकार से काम करना है, और हर एक कर्मचारी की मजबूरी हो जाती है कि हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार से ही काम करना पड़ेगा। तो नियोजन रचनात्मकता को भी पूरी तरह से गलत साबित करता है, ये मतलब अलाउड ही नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आप पहले से सारा पूर्वानुमान लगा रहे हो, मार्केट का सर्वे कर रहे हो और 10 तरह के लोगों से बात कर रहे हो, आप जो है MBA की जो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रबंधक हैं उनकी हाई फाई सैलरी भी दे रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यानी कि योजना बनाना इतना आसान काम नहीं है कि हमने जो बस भविष्य के लिए पहले से सोच लिया और बस उसके आधार पर निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा मतलब पूरा का पूरा सिस्टम से काम होता है, कई लोगों की मीटिंग होती है, कई बार मीटिंग होती है, और मीटिंग का आपको एक बार का सोच ही सकते हो कितना खर्चा होगा। पूरा मार्केट सर्वे किया जाता है, ऐड वगैरह की जाती है, सर्वे करते हैं तो कई लोगों के पास भेजना भी पड़ता है, जो सर्वेयर होते हैं जो मार्केट का सर्वे करते हैं, मार्केट का सर्वे करके लेकर के आते हैं, तो वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस का भी सर्वे करेंगे, कस्टमर्स का भी सर्वे करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनका भी सर्वे करेंगे, बैंक का भी सर्वे करेंगे, और उसके आधार पर सारे डाटा इकट्ठा करके लेके आते हैं, तब कहीं जाकर के योजनाएं बनती हैं। है वो भविष्य के लिए ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आंकड़े इकट्ठे करने के बाद ही ये योजनाएं बनाई जाती हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसमें कितना पैसा खर्च होता होगा।
और इसी से ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाता है कि इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। हमें भविष्य के लिए क्या बनाना है इसके लिए केवल एक दिन में नहीं सोचा जाएगा, इसके लिए बहुत समय लगता है, बहुत पैसा भी लगता है। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको कि लागत भी बहुत अधिक लगती है योजनाएं बनाने में, नियोजन करने में, और समय की भी बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होती है। और छठा पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी, यानी कि समय अधिक लगने के बावजूद भी, लागत अधिक लगने के बावजूद भी, तब भी इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ये भी पिछले पॉइंट्स में भी आप देख चुके हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में भी, कि अगर वातावरण यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके जो घटक है अगर नॉर्मल रहे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, तब तो हमारी योजना ठीक है, भविष्य के लिए हमारी योजना ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हल्का सा भी कोई बदलाव आ गया, जो हमने सोचा था कि भाई गवर्नमेंट यही वाली आएगी, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो हमारी सारी की सारी योजना जो हमने जिस आधार पर बनाई वो गलत हो जाएगी। हमने सोचा कि बैंक के अंदर जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो कम पर मिलेगा, लेकिन मार्केट में एकदम से तेज़ी आ गई और बैंक वालों ने, आरबीआई ने भी अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया। क्योंकि जब भी समझ लीजिए इन्फ्लेशन का टाइम होता है, मुद्रास्फीति का समय होता है, उस समय बैंक में ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है, मतलब आरबीआई द्वारा बैंक की ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है। तो कहने का मतलब कि आप भविष्य के लिए जब पूरी तरह से निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, तो इसी आधार पर हम ये कहेंगे कि योजनाएँ जो बनी हुई हैं वो पूरी तरह से 100% ठीक होंगी ही, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। आपने जो भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं वो 100% ठीक होगी होंगी, अरे यार मैंने जो योजना बनाई वो तो 100% बिल्कुल आपको काम पूरा करके देगा ही देगा, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नियोजन हमने किया है वो पूरी तरह से सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये थे आपके 6 पॉइंट, इसके आधार पर हम करेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ आपको, भी अभी याद आया मेरे को, कि जैसे आप लोगों ने सोचा कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे या 5 घंटे पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट को हम 1-1 घंटा पढ़ाई के लिए देंगे और ये पूरे 365 दिन हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, तो बोर्ड में हमारे 90% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आपने ये योजनाएँ बनाई। लेकिन अगर बाई चांस आप इस योजना में, जैसे अगर आपके घर में कोई शादी का माहौल हो जाता है, तो पूरा 1 महीना आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नहीं पता था कि इस तरह से कोई शादी का माहौल आ सकता है। आपने पहले से योजनाएं बनाई लेकिन नवंबर दिसंबर में कोई घर में शादी का माहौल आ गया, या त्योहारों के बीच में कुछ आपको कहीं जाना पड़ गया, या कोई रिलेटिव घर में आ गए, या आपको कहीं जाना पड़ गया, उस केस में जो आपने पहले से नियोजन कर रखा है वो पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। यानी कि आप भविष्य के लिए गारंटी नहीं दे सकते कि जो आपने योजना बनाई कि डेली का आप 5 घंटे पढ़ोगे वो उसी योजना पर चलते ही जाओगे, और अगर आपका 1 महीना पूरा का पूरा वेस्ट हो गया तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि आपके मार्क्स में कितनी कमी हो सकती है। तो योजनाएं जो बनाई जाती हैं भविष्य के लिए देख करके बनाई जाती हैं, लेकिन जो वातावरण है उसमें बदलाव होता रहता है, तो इसलिए कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि जो आपने योजनाएं बनाई हैं वो पूरी तरह से ठीक बैठेंगी ही बैठेंगी। तो ये थे बेटा इसके सीमाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सेपरेट कोई भी पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरह समझिएगा इसे।